इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मोहम्मद रहीम नामी 50 साल शख्स जो ऑटो ट्राली के जरिए मिनरल वाटर सप्लाई करते हैं, महबूब नगर टाउन के रायचूर रोड पर वाक़ मदरसा मदीनतुल उलूम व मस्जिद महबूब में पानी के सप्लाई के लिए पहुँचे। रहीमिया की जानिब से मदरसा और मस्जिद के रास्ते में रखी गई जीप मोटर कार जो रोज़ाना महबूब नगर से देवर कदरा भूतपुर पैसेंजर मारते हैं रास्ते से हटाने की ख्वाहिश की। इस ख्वाहिश पर मुसलमानों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वह हमको गाड़ी हटाओ कहकर बेदर्दी से मारपीट और पत्थर से सर कुचलने की कोशिश। रहीम जो अपने बचाव के लिए मस्जिद में पनाह लेने की कोशिश के दौरान मस्जिद में घुसकर भी मारपीट करके मस्जिद महबूब के तकद्दस को पामाल किया गया, उसकी इत्तला मिलते ही मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर ने मजलिस सीनियर कायदीन मोहम्मद ताहिर व अब्दुल महबूद के हमरा मौके पर पहुंचकर तफसीली वाक़ात से आगाही के बाद DSP महबूब नगर वेंकटेश्वरलू से मदीनतुल उलूम के जिम्मेदार के साथ मुलाकात करके खाती अशरार के हमले के वीडियो फुटेज के साथ नुमाइंदगी करते हुए अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। DSP के तयकुन के बाद दवाखाना सरकारी पहुंचकर जख्मी शख्स की मिजाज पुरसी की। इस मौके पर मजलिसी कायदीन के अलावा साबिक काउंसलर मसीह अब्दुलरहमान कुरैशी, इब्राहिम अबू, मोहम्मद मोहसिन माडरन शरीफ ऑटो कंस्टल्स, मोहम्मद महबूब काउंसलर एजाज मिर्जा व मुइज़ुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। आज पीर के दिन सुबह तजबेदे के वक्त मोहम्मद रहीम नामी ऑटो ट्रेलर में मिनरल वाटर सप्लाई करने वाले शख्स ने रायचूर रोड पर वाक़ मदर महदुल रूम और महबूब रूम में रोज़ की तरह पानी डालने के लिए अपनी ट्राली लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस पार्ट पर मैं देर कदरा रोज़ाना ट्रिप करने वाले जीप ड्राइवरों ने अपनी जीप को खड़ा कर दिया था। ऑटो ड्राइवर ने जीप का हॉर्न मार के जीप हटाने की ख्वाहिश की थी। इस पर चाहे थुक्का उड़कर लोग हमारी जीप के हॉर्न मारने की हिम्मत बढ़ गई रही, बल्कि अब देखो बेतहाशा 5 आदमी गिरा के मारी, जिसमें नागराज नामी आशा ऐसे का बेटा है जो जीप चलाता है, उसने अपने दो साले भाइयों के साथ मिलाकर रहीम को बेतहाशा मारपीट की, मस्जिद में घुस के भी उनको मारे और मस्जिद की बेहरमती किए। इस वाक़े की इतला मिलते ही मैं अब्दुल हादी एडवोकेट सदर जिला मजलिस ताहिर साहब सीनियर मजलिस खायद मदुल महबूद और तमाम मदरसे के ज़िम्मेदारों ने, जिसमें जमील सेठ शालीमार जनाब और मदरसे के मोहतमजन टू टाउन पहुँच कर बात ने दरख्वास्त दी, दवाखाने पर इयादत की। ये मामला आज का नहीं, हमेशा रायचूर रोड पर जीप ड्राइवर्स की जो पैसेंजर को वसूल करने के लिए हंगामारी करते रहते हैं, जबकि ट्रैफिक रोड पर डिवाइडर के बाद रोड का चौड़ाई कम हो चुकी है, हमें जीप को खड़ा करना ये कभी भी ट्रैफिक पुलिस को समझ नहीं आया। जाने वाले को हेलमेट के नाम पे, लाइसेंस के नाम पे हिरासा करते हैं, लेकिन ये ड्राइवरों का क्या मामला है नहीं मालूम। जीप ड्राइवर की हिरासानी से आज जो है आदमी जख्मी का शिकार हो गया, तो सबसे ज़्यादा जख्म उसके सिर पर आए और दवाखाने स्कैनिंग कराने में अभी भी आदमी बेहोश है और वो बात करने का वक़ूफ में नहीं है। इसलिए में टूटर पुलिस दरख्वास्त दे दी गई है और मुखालिफ पार्टी ने भी दरख्वास्त दी है, जो जैसे आशाना का बेटा उसका नाम बादशाना का बेटा है उसका नाम श्री
और उनको भी दरख्वास्त दी गई है और हम DSP साहब ने मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई करने का तयकुन दिया है। इस मामले को सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का नहीं है बल्कि लाइनर का मसला है, मस्जिद में घुसने का मसला है, अरे मसले का मसला है, पानी सप्लाई करने का मामला, अकेले आदमी को 5 आदमी वहाँ जो वीडियो में साफ वाजे है। इरादा हमारा मुतालबा है कि फरार की सजा दें और उनकी काउंटर दरख्वास्त को सरफे नज़र करते हुए इनके खातिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।